हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी। आ रही जी बेटा आवाज आ रही है जी बेटा आपको? यस सर, आ रही। ठीक है, सुभान ठीक है। बाकी लोगों से भी मुझे रिस्पॉन्ड लेने देना जी। वालेकुम अस्सलाम किरण शहजादी, बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, होप सो कि सबको मेरी आवाज आ रही है। अभी 20 स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया मीटिंग को। तो अगर बेटा कोई लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हम लोगों ने लास्ट वीक में व्हाइल लूप को समझने की कोशिश की है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी बेटा, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। शाबाश। अभी अरीबा हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है, इमान तारिक, हमजा बहरोज, हंजला शाह प्रेजेंट है, जुनेद अफजल, कशफ इलियास, किंजा आलमगीर, किरण शहजादी, माहरुख, मोहम्मद उस्मान, कुरातुलैन, यास, रोहा जैनब, समरीन फातमा, तैयब, उस्मान, वर्दा, जईम अली, अब्दुल बासित, बिलाल, राबिया नवाज, उम्मे अमन, ये लोग जो हैं फिलहाल अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है। कोई क्वेश्चन बेटा पूछे, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है चैट में मुझे बताएं ना, बता दिया करें। कोई क्वेश्चन नहीं है चैट में मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन फिजिकली तो जब क्लासरूम में होते हैं फिर तो हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है आपको, माशाल्लाह सब समझ आ रही है। लेकिन यहाँ आप चैट में रिस्पॉन्ड करेंगे कि कोई क्वेश्चन नहीं है या कोई क्वेश्चन है, देन मुझे पता चलेगा। आपका क्लास फेलो है जुनेद अफजल, उसका कोई क्वेश्चन है जी? उन्होंने कहा जी के, हाँ जी जुनेद अफजल, आप हमें प्रोग्राम भेज दें। आप प्रोग्राम जो है आपसे नहीं हो रहा वो आप हमें व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, हम आपको उसका सलूशन बता देंगे। मैं बता दूंगा या हो सकता है कि ग्रुप में आप जब उसको व्हाट्सएप करेंगे तो कोई और क्लास वालो आपको उसका रिस्पॉन्ड दे दे, आपको उसका सलूशन बता दे, ठीक है जी? आप ग्रुप में बताएं, अगर कोई नहीं बताएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसका सलूशन नहीं देता, तो आपने मुझे रिमाइंड कर देना है, रिमाइंड करवा देना है मुझे, तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर उसका सलूशन बताऊंगा, ग्रुप में बता दूंगा, ताकि सब लोगों को शेयर हो जाए, क्वेश्चन भी सब लोगों को शेयर कर देंगे। लेक्चर के बाद सेंड कर दें तो फिर हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है, और वो हम लोग ग्रुप में शेयर कर लेंगे ताकि उसको एज ए क्लास असाइनमेंट कर लेंगे। कोई बात नहीं है जी, मोस्ट वेलकम जी। बेटा इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, होप सो आप लोग माशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक हैं। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो लूप है दैट इज डू व्हाइल लूप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो रॉबर्ट फोर की बुक हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो ऑथर है वो इसको डू लूप के नाम के साथ भी लिख रहा है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, द डू लूप। बेसिकली जो बेसिक सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर या दूसरे लूप्स के अंदर हमें हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है या डिस्कस करते हैं, इसका बेसिक नाम जो है ना वो डू व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप। लेकिन लेकिन ये जो रॉबर्ट फोर है ये भाईजान जो है ना इसको डू लूप के नाम के साथ लिखते हैं, तो डिफरेंस कोई नहीं है, डू व्हाइल कह ले या डू कह ले एक ही बात है। डू व्हाइल और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, पहले आप इसका फ्लो डायग्राम देख लें, ऑपरेशन ऑफ द लूप देखें। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो जरा इस द
डायग्राम को, इस फिगर को अच्छी तरह से देख लें कि यहां पर बॉडी ऑफ लूप पहले आ रही है, टेस्ट एक्सप्रेशन बाद में है। बॉडी ऑफ द लूप पहले है, टेस्ट एक्सप्रेशन बाद में है। जो व्हाइल लूप पढ़ के आए हम लोग, उस व्हाइल लूप के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा पहले, उसके अंदर अगर आप लोग देखें तो उसके अंदर बेटा देखें, टेस्ट एक्सप्रेशन पहले है, बॉडी ऑफ द लूप बाद में है। तो डू व्हाइल का मतलब क्या है? डू व्हाइल, डू का मतलब यह है कि करना है कुछ, और व्हाइल कब तक करना है। व्हाइल और डू व्हाइल में बेटा एक ही कॉमन डिफरेंस है कि व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद कंपाइलर बॉडी ऑफ द लूप में एंटर होता है कंडीशन के ट्रू होने पर। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप एग्जिट कर जाते हैं लूप, बॉडी के लूप के लूप की बॉडी में आप एंटर ही नहीं होते। लेकिन डू व्हाइल लूप में पहले बॉडी ऑफ द लूप आता है, जैसा कि हम लोग उसकी डायग्राम में जाते हैं, पहले बॉडी ऑफ द लूप हमारे पास एग्जीक्यूट होती है, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से बॉडी ऑफ द लूप में आप लोगों के पास कंपाइलर चला जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगा। इसको याद करने के लिए आसान लफ्जों में ये कहा जाता है कि डू व्हाइल लूप के अंदर जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एक दफा एग्जीक्यूट होती है, इसको हमारे पास समझने के लिए इतना काफी है कि डू व्हाइल लूप के अंदर जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एक दफा एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ये आप लोग डायग्राम जो फिगर अपने सामने देख रहे हैं, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि जब कंपाइलर बॉडी ऑफ द लूप में एंटर होता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद जाके कंडीशन चेक करता है। तो एक दफा हमारे पास बॉडी ने एग्जीक्यूट होना ही होना है, उसके बाद हमारे पास जो है वो कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ द लूप में चला जाएगा, अगर कंडीशन चेक नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एग्जिट कर देगा। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने अगर कभी एटीएम यूज किया है, होप सो मोस्टली स्टूडेंट्स एटीएम यूज करते हैं आजकल, आप लोगों ने एटीएम यूज किया है, तो जब आप लोग एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपसे पूछता है डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन। जब आप बैलेंस इंक्वायरी कर लें, या आप लोगों के पास मेन मेन्यू आ जाता है कि आप लोग कैश को विड्रॉल करने जा रहे हैं, या बैलेंस इंक्वायरी करने जा रहे हैं, या आप क्या करने जा रहे हैं, होता है ना एटीएम जब आप यूज करते हैं, तो जब आप एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपसे पूछते हैं डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आप लोग उनको यूज करते हैं तो एट द एंड वो आपसे पूछता है कि आप लोग दोबारा काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो जब इस तरह की एप्लीकेशन आ जाती है ना बेटा, तो वहां पर डू व्हाइल लूप यूज किया जाता है। जब हमारे पास इस तरह की एप्लीकेशन आ जाती है कि एक दफा काम करने के बाद हमारा प्रोग्राम या हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी मशीन हमसे पूछती है कि आप दोबारा काम करना चाहते हैं, आप दोबारा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास जो है वो डू व्हाइल लूप यूज किया जाता है। जी बेटा क्लियर है सबको? डू व्हाइल लूप कैसे काम करता है उसकी समझ आ गई है। अब इसकी एग्जांपल करके देखेंगे अभी टर्बो के अंदर कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। जी जी बेटा आवाज कट रही है, आवाज बेटा वो नेट कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम करता है आवाज का, इस वजह से वो हमारे पास आवाज कटती है, अदरवाइज ओके है। जी बेटा आपको व्हाइल और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, फिर बॉडी ऑफ लूप जो एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू व्हाइल लूप के अंदर एक दफा हमारे पास बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, और एट द एंड जाके कंडीशन टेस्ट होती है, कंडीशन चेक होती है। कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा लूप की बॉडी में आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एग्जिट कर जाएगा। अब एक और थोड़ा सा डिफरेंस ये है, यहां देखें, अब आप देख रहे हैं यहां सिंटैक्स ऑफ द लूप के अंदर, इसको देख लें। ये उसने सिंगल स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स लिखा हुआ है, और ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए लिखा हुआ है आप लोगों के पास सिंटैक्स। ये डू है, इसके साथ कोई सेमी कॉलम नहीं आएगा, इसके साथ कोई छोटी ब्रैकेट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट डू लिखेंगे। ये आपके पास बॉडी ऑफ द लूप आ जाएगा, और यहां आपकी कंडीशन आ जाएगी,
और एट द एंड यहाँ सेमीकोलन भी आएगा। जो डू वाइल का लूप है, वाइल की बॉडी के साथ, वाइल का जो हमारे पास ये कंडीशन हम लोग लिखते हैं, इसकी कंडीशन के साथ सेमीकोलन भी आएगा। जबकि आपने देखा कि हम लोग जब वाइल लूप में कंडीशन मार्क कर रहे थे तो वहां पर कोई सेमीकोलन नहीं है। जब वाइल लूप में हम लोग कंडीशन मार्क करते हैं तो कोई सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन जब हम लोग डू वाइल लूप में लिखते हैं तो यहाँ हमारे पास सेमीकोलन आता है। एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम करके टेस्ट करते हैं इसको, डू वाइल लूप को, कि क्या करता है, ये काम भी करता है या नहीं करता। मैं अभी टर्बो की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जी बेटा, आपको टर्बो की स्क्रीन शो हो रही है सबको? डू वाइल लूप को छोटा सा कोई प्रोग्राम चेक करते हैं बेसिक लेवल का, ताकि हमें इसकी वर्किंग जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। बाकी हमारे पास इस वीक हम लोग डू वाइल की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। और आपको आज आज या इस वीक के लास्ट पे आपको असाइनमेंट भी दूंगा मैं रिगार्डिंग लूप्स, वो आप लोग करके भेजेंगे मुझे, देन हम लोग फिर जो है वो फर्दर मूव करेंगे। सिंपल सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, int i less than equals to i equals to 1, पहले तो हमने इनिशियलाइज करना है ना, अभी तो हमने कंडीशन मार्क नहीं करनी। तो do करना है, क्या करना है, नाम डिस्प्ले करवाना है, आपके सीआर का नाम लिख लेते हैं, नाराज ना हो जाए वो हमसे कि मेरा नाम नहीं लिखते। i को प्लस प्लस करते हैं, ये डू बॉडी जो डू वाइल लूप की है वो यहाँ एंड हो जाती है। ये वाइल लूप कंडीशन मार्क करने लगे हैं, कब तक हमने कंडीशन मार्क करनी है, जब तक वो हमारे पास 5 के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ गेट करेक्टर करते हैं और इसको रन करते हैं। एक एरर आ रहा है, मुझे बताएं क्या एरर आ रहा है, एरर है प्रोग्राम में, बताएं क्या एरर। सर सेमी कॉलम अपने मिल रहा है, सेमी कॉलम वाइल माइक बंद कर लिया करें, बता के माइक बंद कर लिया करें जी। कहाँ सेमी कॉलम आना है जी, गेट सी एच के साथ सर, वाइल स्टेटमेंट के साथ, वाइल स्टेटमेंट के साथ सेमी कॉलम आना जी। वेरी गुड, पढ़ गए हैं कि जो हमारी लूप, जहां पर हमारी लूप की कंडीशन लगनी है वहां पर सेमी कॉलम, यहां सेमी कॉलम आएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं रन करके कि हमारी आउटपुट आती है कि नहीं आती। इसको हम लोग लाइन एंड करते हैं ताकि हमें जो है ना वो ठीक से नजर आए आउटपुट जो है हमारी कैसी आउटपुट है। हमने दूसरा बैक स्लैश एन देना था, हमने इसको ये वाला स्लैश लगा दिया जी। बेटा क्लियर है सबको, आउटपुट नजर आ रही है सबको, आउटपुट शो हो रही है जी सबको। तो बेटा अब होता पता क्या है, ये डू वाइल लूप को यूज कब किया जाता है, डू वाइल लूप को तब यूज किया जाता है जब यूजर के पास 5-6 ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं,
उसके अंदर कैलकुलेटर भी है, उसके अंदर फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का प्रोग्राम भी है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो टेबल का प्रोग्राम भी है एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो मुझसे पूछा जाता है कि आप शुरू में मेन्यू देते हैं, मेन्यू आप लोग देखें, आप लोग अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं ना, तो वो आपको मेन्यू देता है, वो कहता है जी के नुमाइंदे से बात करने के लिए 0 मिलाएं, फलाने काम के लिए 1 मिलाएं, उर्दू में बात करने के लिए 2 मिलाएं, ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए 3 मिलाएं। तो जब आप लोग 3 मिलाते हैं, कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करवाते हैं, तो एट दैट वो आपसे कहता है कि मेन्यू में वापस जाने के लिए फलाना मिलाएं। आप मेन मेन्यू में वापस चले जाते हैं, आप फिर जाके कहते हैं जी कि मैंने फलाने नंबर पे दोबारा बात करनी है। तो अब देखें, ये एक काम करने के बाद वो दोबारा आपसे मेन्यू पूछ रहा है, आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, जैसे एटीएम के अंदर होता है कि आप लोग अपनी बैलेंस इंक्वायरी करते हैं ना, तो उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट अनदर ट्रांजेक्शन, हम कहते हैं जी, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं बैलेंस, किसी को अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट अनदर ट्रांजेक्शन, आप कहते हैं जी। फिर वो कहता है जी डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप कहते हैं जी। तो जब इस तरह की एप्लीकेशन बेटा आ जाती है ना, तो फिर हमारे पास डू वाइल लूप आना शुरू हो जाता है। एक प्रोग्राम के अंदर आप लोग जब मेन्यू दे देते हैं, बहुत सारी ऑप्शन दे देते हैं, तो हो सकता है कि मैंने एक वक्त में कैलकुलेटर यूज करना हो, कैलकुलेटर से फौरन बाद मैंने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो, फैक्टोरियल से फौरन बाद मैंने जो है वो अपना टेबल डिस्प्ले करवाना हो। तो प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो मुझे ईच टाइम रन करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे आप जरा यहां पर देखें, हम लोग यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, हम कहते हैं जी अगर मेरे पास एक वेरिएबल ए है दैट इक्वल्स टू 1, तो वो नाम डिस्प्ले करवाएगा। अगर ए जो है दैट इक्वल्स टू 2, तो वो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवाएगा। और ये कब तक चलेगा, सी आउट डू यू वांट अनदर ट्रांजेक्शन, जस्ट हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए। अदरवाइज हम लोग यहां पर ये लिखेंगे कि डू यू वांट अनदर, कि आप दोबारा प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हम लोग इसको अपने इसको देखें जरा, मैं अपना ऑप्शन देता हूँ जी 1, वो मेरी आउटपुट दे रहा है माय नेम इज शिराज,
अब मुझसे पूछ रहे हैं डू यू वांट मोर एग्जीक्यूशंस, मैं लिखता हूँ वाई। अब वो मुझसे फिर डू यू वांट मोर एग्जीक्यूशन, मैं देता हूँ वाई, वो फिर मुझसे पूछ रहा है। होप्स हो क्या आप फॉलो कर रहे हैं इस बात को, बेटा फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं एंड करता हूँ, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन वाई चलेगी। जी बेटा फॉलो किया आप लोगों ने या नहीं किया? कि मैंने यहां बेसिकली आप इसको देख लें, यहां हम नीचे मूव करते हैं, यहां जाएं, वो मुझसे यहां पूछ रहा है कि आप लोग दोबारा धूप की बॉडी में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। मैं एक दफा करने के बाद भी मैं अपनी ऑप्शन देता हूं टू। अब देखें हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले हम मन दे रहे थे तो वो हमें शराज का नाम डिस्प्ले करवा रहा था, अब हम ए की वैल्यू टू दे रहे हैं तो वो हमें हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवा रहा है। अब वो मुझे पूरा डू यू वांट मोर एग्जीक्यूशन, मैं कहता हूँ नो, मैं प्रेस कर देता हूँ, वो प्रोग्राम से बाहर चला जाता है। जब आप लोग ऑप्शन में एन दे रहे हैं तो एन यहाँ पर आ रहा है और एन वाई के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स होती है, वो बाहर चला जाता है प्रोग्राम से। लेकिन जब हम लोग इसको, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ताके हमें तैयब क्या कर रहे हो, एनोटेशन क्यों लगा रहे हो? इसको रन करते हैं प्रोग्राम को दोबारा से, एंटर योर ऑप्शन, मैं ऑप्शन वन टू देता हूं, हेलो वर्ल्ड आ गया। डू यू वांट मोर एग्जीक्यूशंस, मैं कहता हूं जी यस, हेलो वर्ल्ड। ओए बाज आजो क्या हो गया आपको, मैं कहता हूँ जी नो, तो भाई चला जाएगा प्रोग्राम से, वो प्रोग्राम से भाई चला जाएगा। जी जी बेटा क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछे मुझसे। जी उस्मान आपको कोई क्वेश्चन है? आपका माइक कौन है? नो सर। जी बेटा और किसी को कोई क्वेश्चन? समझ नहीं आ रही जी किरण शादी, किस चीज की समझ नहीं आ रही बेटा? मुझसे क्वेश्चन पूछो ना, फिर मैं आपको बताता हूँ किस चीज की समझ नहीं आ रही। ये जो इफ ए इक्वल्स टू वन किया या ए इक्वल्स टू टू किया, ये तो रैंडमली किया है जस्ट। ए की वैल्यूज बेटा, ए की वैल्यूज हमने रैंडमली ले ली हैं, ए की वैल्यूज बस जस्ट हमने इफ कंडीशन मार्क करनी थी इस वजह से ली हैं। ओपी बेटा ऑप्शन है, ओपी हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ओपी ऑप्शन यस और नो का ऑप्शन है, वाई फॉर यस एन फॉर नो। आप अगर प्रोग्राम में जाएं यहां पर हम लोग लिख लेते हैं वाई स्लैश एन, अगर और देना है तो फिर हम लिख लेते हैं y, यहां पर लिख लेते हैं y फॉर यस एंड n फॉर नो। ये तो यूजर की सहूलत के लिए ना, जितना आप लोग उसको क्लियर मैसेज लिख के देंगे उसको समझ आ जाएगी। op फॉर ऑप्शन है, ऑप्शन यूजर y करना चाहता है या n करना चाहता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको रन करते हैं ना, ये देखें मैं जब इसको रन करता हूं, वो तो उसे ऑप्शन पूछ रहा है। चले हम लोग इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा प्रोग्राम में करके जाके चेंज करेंगे, हम इसको नो करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। यहां पर हम लोग एंटर योर ऑप्शन नहीं, हम लोग यहां पर इसको एंटर वैल्यू फॉर ए कर लेते हैं। दिस ओपी इज बेसिकली फॉर ऑप्शन, ये वेरिएबल का नाम ओपी रखा है, इसको इसका नाम आप लोग पूरा ऑप्शन रख लें, एल है। यहां आप लोग इसको ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन हमारे पास दो ही हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है, या यस का ऑप्शन है या नो का ऑप्शन है। हम लोग इस ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक दफा काम करेगा, फिर हमसे पूछेगा कि आप और एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, आप कहते हैं यस,
तो वो फिर से कर देगा, अगर आप कहेंगे नो तो वो फिर से कर देगा। तो यहाँ हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी कंडीशन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक और चीज, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, जरा देखिएगा। लूप के अंदर कंडीशन आप जैसी मर्जी लगा लें बेटा, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कंडीशन का सेंटेक्स सही होना चाहिए। कंडीशन का सेंटेक्स ठीक होना चाहिए, आप कंडीशन जो मर्जी लगा लें। अब आपके हिसाब से यहां पर मैंने कोई कंडीशन मार्क नहीं की, ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि जब तक मैं कीबोर्ड से अपनी कोई की हिट नहीं करता तब तक आपका लूप चलता जाएगा। इसको रन करते देखते हैं। अब ये लूप चलता जा रहा है, अब ये रुका नहीं हुआ, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होता जा रहा है। ये कब तक होता जा रहा है? जब तक मैं कीबोर्ड से कोई की हिट नहीं करता। मैंने अपने कीबोर्ड से कोई की हिट की है तो ये वापस कोड में आया। तो कंडीशन क्या लगी हुई है? कंडीशन ये लगी हुई है कि जब तक आप लोग अपने कीबोर्ड से कोई की हिट नहीं करते तब तक आप लोगों के पास आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। ये डू वाइल के लिए ये नहीं है। डू वाइल को तो हमने समझ लिया है ना कि डू वाइल में और वाइल में क्या डिफरेंस है। डू वाइल में और वाइल में एक डिफरेंस है जी के डू में पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होनी है, बाद में कंडीशन चेक होनी है, ठीक है। बेशक कंडीशन फॉल्स हो जाए लेकिन एक दफा बॉडी ने एग्जीक्यूट होना ही होना है। लेकिन ये जो कीबोर्ड हिट की कंडीशन है ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है कोनियो का, जिसके अंदर हम लोग इसको लिखते हैं कि ये जो मैंने एक्सक्लेमेशन का साइन डाला है ना साथ, इसका मतलब क्या है? व्हाइल नॉट कीबोर्ड हिट, कि जब तक कीबोर्ड से कोई की हिट नहीं की जाती तब तक आप ये लूप एग्जीक्यूट करते रहेंगे। अब मैं दोबारा से रन करता हूं, ये देखें वो डिस्प्ले करवाता जा रहा है। जब तक मैं कीबोर्ड हिट नहीं करूंगा ये वापस नहीं जाएगा अपने कोड में, ठीक है जी। हम पर डिपेंड करता है। यहां पर कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं, यहां पर हम लोग कंडीशन को फॉल्स करके देते हैं, आई लेस देन वन। अब आई की वैल्यू ऊपर प्रोग्राम में हमने दी हुई है इक्वल टू वन है। अगर कंडीशन के हिसाब से देखें, अगर कंडीशन के हिसाब से बेटा देखें तो हमारे पास आउटपुट कोई नहीं आनी चाहिए, लेकिन आउटपुट तो आ रही है। एक दफा आउटपुट लाजमी आ रही है, क्यों? क्योंकि डू वाइल लूप के अंदर आपके लूप ने एक दफा एग्जीक्यूट होना ही होना है बेशक कंडीशन फॉल्स हो। अब आई आपके पास वन है, ठीक है, आई आपके पास शुरू में हमने वहां पर उसको इनिशियलाइज किया हुआ वन के साथ, आई इक्वल टू वन हमने इनिशियलाइज किया है ना। अब वन लेस देन वन तो नहीं होता, जबकि यहां पर वो टू तो हो रहा है, लेकिन फिर भी वन लेस देन वन तो नहीं होता, कंडीशन फॉल्स है ना हमारी, देखने में भी फॉल्स है, लेकिन फिर भी हमारे पास हमारा लूप जो हमारी बॉडी ऑफ लूप है वो एक दफा एग्जीक्यूट हुई है। यही बेसिकली डिफरेंस है आपकी आपके लूप में वाइल लूप में और आपके डू वाइल लूप में। बाकी तो एग्जीक्यूशन है कि आप डू वाइल लूप को यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप वाइल लूप को यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। इनके अंदर दरमियान में जो बेसिक डिफरेंस अंडरस्टैंड करने वाला है वो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हाईलाइट बेटा किया हुआ है ना आप लोगों के सामने, ये वो बता रहा है कि फॉर लूप को तब यूज किया जाता है जब हमें पता है कि कितनी आइट्रेशन करनी है। मैंने 10 आइट्रेशन करनी है, मैंने 12 आइट्रेशन करनी है, मैंने 15 आइट्रेशन करनी है, मैंने लूप को कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। जब मुझे पता है, अगर ये बात मुझे कंफर्म है तो फिर क्या होगा, बल्कि शेयर नहीं हो रही आपको, ये शेयर नहीं हो रहा, ये अब नजर आ रहा है आपको हाइलाइटेड? नो सर। अब नजर आ रहा होगा? यस सर आ रहा नजर। अब मैंने उसको चेंज किया है, जुनेद आपको नजर आ रहा होगा? जुनेद हाईलाइट किया मैंने जी आपको स्क्रीन पे, पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ हाईलाइटेड नजर नहीं आ रहा, कोई शेयर नहीं नजर नहीं आ रहा सबको? बेटा आ रहा होगा,
नजर आ रहा है सबको? जी, तो यहां आप लोग देखें कि ये जो हाईलाइटेड फॉर्म में आप लोगों को नजर आ रहा है ना, जरा इसको पढ़ें कुछ सेकंड्स के लिए, मैं खामोश हो जाता हूं, आप इसको पढ़ें, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। पहले मैंने वैसे बताया आपको, लेकिन तब आपको नजर नहीं आ रहा था, अब आपको नजर आ रहा है, आप जरा इसको एक दफा पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लें जरा एक दफा, और जल्दी से पढ़ लें। जी, होप सो कि बेटा आपने पढ़ लिया, और मुझे पता है, और मुझे आप लोगों का आप लोगों पर पूरा यकीन भी है, मुझे फख्र भी है कि आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। तो बेटा इसका मतलब यह है कि जब हमें ये कंफर्म है कि मेरे लूप ने 10 टाइम चलना है, तो यू शुड गो विद द फॉर लूप। You should go with the for loop when you know के how many times the loop will be executed. और while और do while loop जो हैं, ये तब हम लोग use करते हैं जब हमें confirm नहीं है कि loop ने कितनी दफा चलना है, जब हमें confirm नहीं है कि loop ने कितनी दफा execute होना है। लेकिन अगर आप लोग while और do while में differ करते हैं, तो फिर आप लोगों को ये देखना है कि आपने लूप की बॉडी को एक दफा एग्जीक्यूट या पहले एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। तो वो बात हम लोग पहले देख के आए कि डू बाय लूप के अंदर हमारे पास जो है, हमारी बॉडी ऑफ द लूप पहले एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन बाद में चेक होती है, और वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है और बाद में बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है। होप सो के ये जो डिफरेंस है आपका डू बाय लूप का और वाइल लूप का आप फॉलो कर गए हैं। बाकी बेटा हम लोग इस कोशिश करेंगे कि इस पूरे वीक में ये जो हमारी 3 क्लासेस नेक्स्ट रहती हैं, पूरी 3 क्लासेस के अंदर डू वाइल की डिफरेंट एग्जांपल्स करें। लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरह से करें, खुद से बुक आपके पास है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, यहाँ पूछना है यहाँ पूछ लें, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछना शाबाश, क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर क्वेश्चन है, पूछो। सर ये जो आपने बताया व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए इसको यूज करते हैं? नहीं, आप सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं बेटा। इसका मतलब ये है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे पता नहीं है कि मेरे लूप ने 10 दफा चलना है या 15 दफा चलना है। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपके लूप ने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है, तो फिर आप व्हाइल लूप के साथ काम कर लें, डू व्हाइल के साथ काम कर लें, ठीक है। फिर फॉर लूप के साथ, सर फिर फॉर लूप के साथ काम नहीं कर सकते अगर हमें पता नहीं है कि लूप ने कितनी मरतबा चलना है। अगर हमें पता नहीं है तो फिर आप लोग व्हाइल और डू व्हाइल लूप की तरफ जाएं, और अगर आपको पता है तो फिर आप फॉर लूप की तरफ जाएं। ये इनकी ठीक है सर, ये इनकी एप्लीकेशन है, ये इनकी एग्जाम्पल्स है, या इनका डिफरेंस कर लें आप लोग, ठीक है जी। ठीक है सर, जल्दी बेटा आप क्या कह रही हैं, while और do while को रिपीट कर दें। जी, while और do while बेटा, while loop और do while loop में main difference ये है कि while loop में पहले condition check होती है, बाद में body of the loop execute होती है। do while loop में पहले body of the loop execute होती है, बाद में condition check होती है। ये इनका major difference है। while और do while loop में जो major difference है वो ये है कि while loop में पहले condition check होती है, फिर body of the loop execute होती है। लेकिन डू वाइल लूप में एक दफा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट जरूर होती है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो चाहे कंडीशन ट्रू हो, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती है, बॉडी ऑफ द लूप से बाद में चेक होती है। और जब हम लोग इन तीनों लूप्स का आपस में डिफरेंस पढ़ते हैं, तो कहा जाता है कि आप वैसे जिस मर्जी कंडीशन में जो मर्जी लूप यूज कर लें, जिसको आप अच्छा समझते हैं ना, आप उसी को यूज करेंगे। आप फॉर लूप को अच्छा समझते हैं, आपकी फॉर लूप के साथ ज्यादा प्रैक्टिस है, आप फॉर लूप यूज करेंगे, बेशक जो ऐसी मर्जी कंडीशन बन जाए। मैं अगर व्हाइल लूप को, मुझे व्हाइल लूप ज्यादा पसंद है, तो जैसी भी कंडीशन होगी ना, मैं व्हाइल लूप की तरफ ही जाऊंगा। लेकिन
एक माइनर सा डिफरेंस है इनका, वो माइनर सा डिफरेंस ये है कि कहते हैं कि जब आपको कंफर्म है ना कि आपने 10 दफा लूप की एग्जीक्यूशन करनी है, जब आपको पता है, आपको कंफर्म है कि मेरी 10 आइट्रेशंस होनी है, तब आप लोग फॉर लूप की तरफ जाएं, फॉर लूप को यूज करें। और कहा जाता है कि जब आपको कंफर्म नहीं है, जब आपको कंफर्म नहीं है कि हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, देन आपको व्हाइल या डू व्हाइल लूप की तरफ जाना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? किरण शहजादी 27 जी बेटा, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें जी। सर मेरे पास एक बुक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, सर वो उस बुक से मुझे बेहतर समझ आता है, तो क्या इसकी जगह मैं वो यूज कर सकती हूँ बुक? वो बेटा किस ऑथर की बुक है? सर उसके ऑथर का नाम है मोहम्मद सलीम। तो सलीम उस्मा भी लिखा हुआ है साथ उसके? जी सर। बेटा ये आईटी सीरीज है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट बुक है, आप इसको पढ़ लें। अगर आपको वहां से समझ आसानी के साथ हो जाती है तो वहां से पढ़ें। मेन मेन मकसद हमारा जो है ना वो समझना है। माइक जी सर आप उसको समझ लें। आप उसको समझ लें जिसके पास जो भी बुक है, लेकिन रिकमेंडेड हमारी रॉबर्ट फोर की बुक ही है, लेकिन आप लोग जिस जिस बुक से भी आपको इजी लगता है आप वहां से पढ़ लें जी। और किसी को कोई क्वेश्चन बेटा? सर क्वेश्चन है। हाँ जी पूछो। सर ये जो आपने प्रोग्राम हमें दिखाया था टर्बो पे ऑप्शंस वाला डू व्हाइल लूप यूज करके, सर ये हम फॉर लूप में कर सकते हैं इसको? फॉर लूप में बेटा आप अगर करेंगे तो आप कैसे करेंगे? करके नहीं कर सकते। अंजला इसको करके देखना बेटा, ठीक है? ठीक है, ट्राई करना है, अगर किसी तरह हो सकता है पॉसिबल हो, अगर आप पॉसिबल कर लें उसको आसानी के साथ हो जाता है तो आप ग्रुप में शेयर कर देना सब बच्चों के साथ, सब बच्चे भी समझ जाएंगे क्या हो रहा है। ठीक। सही है ना? ठीक है, नहीं नहीं हो सकता है, यानी नहीं हो तो सकता है, हो क्यों नहीं सकता, हो क्यों नहीं सकता? मैंने अभी आपको कहा है कि आप फॉर लूप वाला काम व्हाइल लूप के साथ कर लें, डू व्हाइल के साथ कर लें, कर सकते हैं आप डू व्हाइल वाला काम व्हाइल लूप के साथ कर लें, फॉर लूप के साथ कर लें, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप किसी भी लूप में किसी भी लूप को किसी भी लूप की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है ना, हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, मेन्यू आ जाता है, तो आप लोग देखेंगे कि 90% हमारे पास जो है वो यूज प्रोग्रामर डू व्हाइल लूप को यूज करेगा, क्योंकि एक दफा वो इसमें आसानी है, आसानी आ जाती है। वेरी गुड। क्यों? अगर आप फॉर लूप के साथ इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो फॉर लूप के अंदर फिर कंडीशन जो आप मार्क करेंगे वो कंडीशन फिर काउंटर लूप काउंटर वेरिएबल के साथ नहीं होगी, वो फॉर लूप के वेरिएबल के साथ कंडीशन तो नहीं ना लगा रहे हम लोग। जी सर। हम लोग तो एक सेपरेट से द्वारा प्रोग्राम के कोड के अंदर बॉडी के अंदर एक ऑप्शन मांग रहे हैं उससे, यस और नो की। अगर यस और नो की ऑप्शन हम लोग मांग रहे हैं तो फॉर लूप में फिर उसकी कंडीशन हमें कहाँ है वो देखना पड़ेगा, और फिर वहां पर जाके हम लोग यस और नो की कंडीशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग ये बार बार ये बातें डिस्कस करते आ रहे हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन ये हमें ये देखना है कि इस तरह की कंडीशन में एफिशिएंट कौन सा है, वो जब हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार फिर हमें समझ आती है। तो लेस देन अ मिनट, लेस देन अ मिनट रह गया जी, कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे को किसी बच्ची को बेटा पूछ लें। जी जी बेटा कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। शाबाश, कोई क्वेश्चन नहीं है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपके साथ। डू व्हाइल लूप पढ़ के आइएगा और क्वेश्चंस